हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कार स्टडीज। दोस्तों, आज है 23 जुलाई 2020, ठीक है। और आज तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स का सेशन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है। देखिए, ईवी चार्जिंग प्लाजा जो है इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। तो अब ये ईवी क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चार्जिंग प्लाजा है उसका नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है, और ये देश का पहला ईवी चार्जिंग प्लाजा है, ठीक है। देखिए, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने इसकी स्थापना की है, ठीक है। देखिए, एनर्जी एफिशिएंसी यानी ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने दिल्ली के चेल्म्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया, ठीक है। तो पहला जो चार्जिंग प्लाजा है, ईवी चार्जिंग प्लाजा, उसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, दिल्ली में। और किन्होंने किया है, तो आर के सिंह कौन है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, ठीक है। तो पहला जो ईवी चार्जिंग प्लाजा है देश का वो कहां पे बना है, नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू करने की घोषणा की। देखिए, अभी जो मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम, उसमें डेंगू जैसी बीमारियां काफी फैलती हैं, और इसी दौरान डेंगू विरोधी अभियान जो शुरू किया है वो उत्तराखंड ने शुरू किया है। देखिए, डेंगू का जो मच्छर है वो नमी की वजह से ज़्यादा फैलता है। नमी या जो पानी इकट्ठा होता है उसमें ये पनपता है, तो इसीलिए इस मौसम में ये इन बीमारियों का खतरा ज़्यादा रहता है। इसीलिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अभी डेंगू विरोधी अभियान शुरू करने की घोषणा की, ठीक है। अब उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून, ठीक है। देहरादून यहाँ की राजधानी है। अच्छा, देहरादून यहाँ की राजधानी है, तो हाल ही में उत्तराखंड ने एक अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित की थी, समर कैपिटल, जिसका नाम है गैरसैंण, ठीक है। गैरसैंण को समर कैपिटल घोषित किया है उत्तराखंड ने, ठीक है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत, और यहाँ की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। अब उत्तराखंड की बात है, तो हाल ही में उत्तराखंड ने स्मृति वन, इसका निर्माण किया है, स्मृति वन का भी निर्माण किया है, ठीक है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी में वरीयता देने की घोषणा की। देखिए, प्लाज्मा दाता, तो ये मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, प्लाज्मा दाता कौन होते हैं। अभी जो कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 चल रहा है, तो जो जो व्यक्ति या जो पेशेंट इस कोविड-19 से लड़ चुके हैं और जो ये बीमारी होने के बाद में वापस रिकवर होके ठीक हो चुके हैं, ठीक है, तो उनके प्लाज्मा को दूसरे जो अभी वर्तमान में जो मरीज हैं उनकी बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता है, ठीक है, जिससे उनमें क्या है, जो प्लाज्मा है उनसे उनकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है और उन्हें रोग से रिकवर होने में आसानी रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्लाज्मा थेरेपी जो है कोविड-19 को लेकर, इसके लिए जो प्लाज्मा दाता हैं उनको सरकारी नौकरी में वरीयता देने की घोषणा की है असम गवर्नमेंट ने। किन्होंने की है, असम गवर्नमेंट ने जो प्लाज्मा दाता हैं उनको सरकारी नौकरी में वरीयता देने की घोषणा की है, ठीक है। अब बात करें असम की, तो असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। दिसपुर असम की राजधानी है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्वानंद सोनोवाल, ठीक है। सर्वानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की। देखिए, अभी किसान मित्र योजना जो केंद्र सरकार ने शुरू की थी, केंद्र सरकार ने शुरू की थी, लेकिन अभी सब राज्यों ने इसे लागू नहीं किया है। तो हाल ही में जिस राज्य ने किसान मित्र योजना शुरू की है उसका नाम है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू की है। अब देखिए क्या है ये किसान मित्र योजना, तो देखिए
राज्य के किसानों, पशुपालन, डेयरी, बागवानी, छोटे किसानों को प्रेरित करने के लिए किसान मित्र योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, तो किसानों को मतलब प्रोत्साहित करने के लिए, पशुपालन और डेयरी और बागवानी के लिए प्रेरित करने के लिए किसान मित्र योजना शुरू की गई है। इसमें क्या है, इन कामों के लिए कम ब्याज दर पर ऋण भी उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, अब बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, और चंडीगढ़ कैपिटल है कहाँ की, हरियाणा की। चंडीगढ़ कैपिटल है हरियाणा की और पंजाब की, दोनों राज्यों की सम्मिलित रूप से राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरज कदे मरदा नहीं नामक पुस्तक किसने लिखी। देखिए, सूरज कदे मरदा नहीं नामक जो पुस्तक है वो लिखी है बलदेव सिंह ने। अब बात करें सूरज कदे मरदा नहीं के बारे में। ठीक है, तो साहित्य अकादमी से सम्मानित बलदेव सिंह सदा कर्णम द्वारा सूरज कदे मरदा नहीं नामक पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, यह पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के कई पहलुओं का वर्णन करती है। तो जो हमारे क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे उधम सिंह, उन पर आधारित है सूरज कदे मरदा नहीं नामक पुस्तक। ठीक है, जो कि इन्होंने लिखी है बलदेव सिंह ने। ठीक है, उधम सिंह की 80वीं पुण्यतिथि 31 जुलाई 2020 को, देखिए उनकी पुण्यतिथि है 31 जुलाई। ठीक है, को औपचारिक रूप से इसे लॉन्च किया जाएगा। तो 31 जुलाई को इस पुस्तक को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, और ये किन स्वतंत्रता सेनानी का वर्णन करती है, तो उधम सिंह का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत और किस देश की नौसेना के बीच पासेक्स पासेक्स नामक अभ्यास आयोजित किया गया है। देखिए, जो भारत और किस देश की नौसेना, तो भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच पासेक्स नामक युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है। ठीक है, अब बात करें पासेक्स की, तो देखिए अमेरिका नौसेना के वाहक यूएसएस निमित्ज ये उस युद्धपोत का नाम है, अमेरिकी युद्धपोत का नाम है यूएसएस निमित्ज। ठीक है, ने मध्य पूर्व में भारतीय युद्धपोतों के साथ समुद्री अभ्यास किया है। ठीक है, पासेक्स अभ्यास एक ऐसे समय में किया जा रहा है जब भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव है। देखिए, भारत और चीन के बीच भी सीमा पर तनाव है। जो गलवान घाटी है, गलवान घाटी में भी अभी कुछ दिनों पहले झड़प हो चुकी है। उसके अलावा नेपाल से भी विवाद चल रहा है, कौन से क्षेत्र को लेकर, काला पानी क्षेत्र को लेकर। ठीक है, तो जो पासेक्स युद्धाभ्यास है वो भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल का निधन हुआ है। देखिए, हाल ही में निधन हुआ है मध्य प्रदेश के राज्यपाल का, और वो कौन है, तो लालजी टंडन का हाल ही में निधन हो गया है, जो राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के। ये मध्य प्रदेश के 22वें राज्यपाल थे। ठीक है, मध्य प्रदेश के 22वें राज्यपाल थे लालजी टंडन। अच्छा, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे कि लालजी टंडन की अभी तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही थी, इसी के चलते उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उन्हें मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद का भी प्रभार सौंपा गया था। ठीक है, तो लालजी टंडन का देहांत हुआ है हाल ही में, जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 दिवसीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है। देखिए, भारतीय वायुसेना है उसका 3 दिवसीय कमांडरों का जो सम्मेलन है वो अभी शुरू हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में ये शुरू हुआ है। अब किनका हुआ है, तो भारतीय वायुसेना का। अब वायुसेना की बात करें तो देखिए, भारतीय जो वायुसेना है इंडियन एयरफोर्स, उसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। कब हुई थी, 8 अक्टूबर 1932 को, और 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसकी स्थापना 8 अक्टूबर को हुई थी। कब, 1932 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है, और अभी प्रेजेंट में जो एयर चीफ मार्शल हैं
वायुसेना प्रमुख हैं वो कौन है, तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया अभी प्रेजेंट में एयर चीफ मार्शल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित किया गया है। देखिए, अभी जो COVID-19 चल रहा है उसकी वजह से बहुत से खेल या जितने भी इवेंट होने थे उन्हें पोस्टपोन किया गया है। तो ICC T20 जो वर्ल्ड कप होने वाला था वो 2020 में होना था, जिसे पोस्टपोन कर दिया गया है। कब तक के लिए? 2021 तक के लिए। ठीक है, 2021 तक के लिए इसे पोस्टपोन कर दिया गया है COVID-19 की वजह से। ठीक है, अब देखिए ICC T20 जो वर्ल्ड कप है उसकी शुरुआत कब हुई, तो देखिए इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। कब हुई थी? 2007 में। 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये फुल फॉर्म है किसकी? आईसीसी की। तो आईसीसी ऑर्गेनाइज करवाता है जितने भी वर्ल्ड कप हैं। ठीक है, तो जो पहला 20 वर्ल्ड कप था, 2020 वर्ल्ड कप था 2007 का, वो किसके द्वारा जीता गया था? तो इंडिया के द्वारा। ठीक है, इंडिया के द्वारा जीता गया था 2007 का ICC T20 वर्ल्ड कप। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया है। देखिए, छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने। ठीक है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जिन्होंने मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया है। अब ये मनोदर्पण पहल क्या है, तो देखिए, वैश्विक महामारी COVID-19 के चलते पिछले 4 महीनों से घरों के अंदर बंद और ऑनलाइन क्लास से छात्रों का तनाव अब मनोदर्पण दूर करेगा। ठीक है, तो अब जो छात्रों में जो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है उसको दूर करने के लिए ये मनोदर्पण नामक जो पहल है ये एक साइकोलॉजिकल पहल है। ठीक, तो ये आज का अपना सेशन था जिसमें डिस्कस किया हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।